सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का 12वां सीजन विवादों में है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब लेजेंडरी गायक किशोर कुमार पर आधारित एक एपिसोड में किशोर कुमार के पुत्र और गायक अमित कुमार को जज के रूप में आमंत्रित किया गया था। एपिसोड की समाप्ति के बाद अमित कुमार इंडियन आइडल के मेकर्स से नाराज हो गए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि शो के मेकर्स ने उन पर प्रतिभागियों की प्रशंसा करने का दबाव बनाया, जबकि कई बार वे आलोचना करना चाहते थे। अमित कुमार के इस बयान के बाद शो को लेकर विवाद तो बढ़ा, लेकिन इंडियन आइडल के प्रस्तोता के रूप में कार्य कर रहे आदित्य नारायण ने भी अमित कुमार पर तंज कसकर इस विवाद को हवा दी। आदित्य नारायण ने कहा कि अमित कुमार को जब शो के बारे में पहले से पता था तो उन्हें शो में नहीं आना चाहिए था, और किसी भी आपत्ति को सार्वजनिक रूप से कहने के बजाय मेकर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए था। आदित्य के इस बयान के बाद उनमें और अमित कुमार में तल्खी बढ़ती जा रही है। इस विवाद को सुलझाने के लिए फिलहाल इंडियन आइडल की टीम की तरफ से कोई आगे नहीं आया है। आदित्य नारायण से बढ़ते विवाद के बीच उनके पिता और बॉलीवुड के दिग्गज प्लेबैक सिंगर उदित नारायण उनके समर्थन में आए हैं। उदित नारायण ने कहा कि आदित्य का व्यवहार बचकाना था, वो अपने काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए कुछ भी बोल गए। उदित नारायण ने कहा कि मुझे या अमित कुमार को शोज में अक्सर नए बच्चों को तराशने के लिए बुलाया जाता है, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। उदित नारायण ने कहा कि वे अमित कुमार से बात करेंगे ताकि उनके और आदित्य के बीच जारी विवाद और आगे ना बढ़े। कुछ ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरें सुनने के लिए बने रहिए नेशन लाइव आईपीटीवी के साथ। धन्यवाद।